हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अब आज हम कक्षा 12वीं कहानी के तत्वों के बारे में आपको प्रकाश डालेंगे। कहानी के तत्व अर्थात जब हम कहानी लिखते हैं तो हमें कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें, उनको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्या क्या होता है, तभी तो हम लिखने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले कहानी का निम्नलिखित तत्व होते हैं। सबसे पहले होता है कथानक अर्थात कथा वस्तु। कहानी का कथानक किसी एक प्रसंग पर आधारित होता है। किसी एक घटना या पात्र की मनोस्थिति का चित्रण भी हो सकता है। कथानक के तीन भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और चरमोत्कर्ष, दी एंड। चरमोत्कर्ष मतलब होता है दी एंड। हमने जब तीन भागों में हम कोई भी जब हम कहानी लिखने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे तो सबसे पहले कोई घटना का प्रसंग भी हो सकता है, किसी पात्र के बारे में भी हम लिख सकते हैं, ये आपकी खुद की चॉइस होती है। दूसरा, पात्र अर्थात चरित्र चित्रण। कहानी पात्रों द्वारा कही जाती है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। पात्र दो प्रकार के होते हैं, वर्गीय पात्र, विशिष्ट पात्र। विशिष्ट पात्र मतलब क्या होता है, जो मेन, आप जैसे फिल्म भी बनाते हैं तो एक मेन हीरो होता है और साथ में साइड हीरो होते हैं, उस तरह से वर्गीय पात्र किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग। तीसरा तत्व क्या है, संवाद अर्थात डायलॉग्स, कथोपकथन। कहानी में संवाद दो काम करते हैं, पहला कथा का विकास करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, कथा के चरित्र चित्रण को उजागर करते हैं। पात्रों की आपसी बातचीत को भी कथोपकथन कहा जाता है। कहानी के संवाद पात्रानुकूल, छोटे और रोचक होने चाहिए। चौथा तत्व क्या है, देश काल वातावरण। कहानी का कथानक जिस प्रकार का हो उसके अनुरूप ही वातावरण का चित्रण होना चाहिए। इसी को अब परिवेश कहा जाता है, माने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जिस तरह का आज का अगर वातावरण है, आप कहानी आज के स्तर की लिखेंगे तो ज्यादा बच्चों को या लोगों को पसंद आएगी आज के परिप्रेक्ष्य में। तो उस वक्त का जो वातावरण, देश काल जो है वो ज्यादा मायने रखती है। पांचवा तत्व क्या है, भाषा शैली। कहानी की भाषा बोलचाल की होनी चाहिए। कहानी का अपनी रुचि परिवेश के अनुसार भाषा शैली का अनुसरण करता है। जो कहानीकार जब लिखता है ना, जब कोई भी कहानी जब लिखी जाती है तो उसके इंटरेस्ट या जिस परिवेश में वो रहता है वो उसी के अनुसार वो कहानी को लिखता है। उद्देश्य अर्थात हम जो कहानी लिख रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसकी हम क्यों लिख रहे हैं। कहानी उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। कहानीकार अपनी कहानी के माध्यम से अपने विचार संप्रेषित करता है। कहानी का एक उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना भी है। अगर वो मनोरंजन नहीं कर रही है, अगर वो कोई संदेश नहीं दे रही है, अगर कोई वो कोई भी उद्देश्य नहीं है, उसका पर्पस नहीं है, तो वो कहानी कहानी के अंतर्गत नहीं आती है। तो आज के लिए हम आपको अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगला विषय हमारा होगा कि कहानी में कथानक का क्या महत्व होता है। धन्यवाद।